हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज है थर्सडे और अभी बज गए हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर वेकेशंस के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी का घर भी डोईवाला में ही है और मेरी इन-लॉज का घर भी डोईवाला है। बस मेरी मम्मी का जो घर है वो इन-लॉज के घर से 20-25 मिनट की दूरी पर है। सो हम लोग पहुँच गए हैं मेरी मम्मी के घर और बच्चे मिल रहे हैं अपनी नानी नाना से। सो फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा मम्मी के घर पर रहने के लिए आते हैं समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे अपने नानी नाना के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मेरे लिए भी हो जाता है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि लेडीज़ के लिए भी जब वो अपने घर रहने आती है, मायके आती हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाता है और रिलैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सो आज है थर्सडे और आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम 5 बजे से, क्योंकि आज हम लोग आए हुए हैं मेरी मम्मी के घर। मम्मा ने क्या? ओके, कहाँ आए हो बताओ? अभी मैं अभी नानी के घर हूँ। सो आज मैं, नीति और अमृत, हम तीनों आए हैं नानी के घर। हाँ। सो आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ शाम 5 बजे से, क्योंकि हम लोग आए हैं अपनी नानी के घर, मतलब कि बच्चे आए हैं नानी के घर, मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। एम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अच्छा इधर आओ, तोप नहीं बोलते बेटा, इधर आओ। अच्छा, आप यहाँ एंजॉय करने आए हो? सो एमी तो आते ही स्टार्ट हो गया है, एमी की तो मस्ती जो है वो यहाँ आने के साथ में स्टार्ट हो गई है और ये खेल रहा है बाहर और नोनो अंदर देख रही है टीवी। तो अभी जस्ट फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी हम लोग, मम्मी बना रही है अंदर चाय, हम लोग पियेंगे चाय, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे और फिर हम लोग करेंगे डिनर। तो फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में मैं आपको अपनी मम्मी से, अपने डैडी से ज़रूर मिलाऊँगी। सो अभी मैं अंदर जा रही हूँ पीने के लिए चाय, तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैठ कर के पी रही हूँ चाय और बच्चे खा रहे हैं खाना, क्योंकि उनको अभी से ही लग गई है भूख। और फ्रेंड्स, जो मेरी मम्मी हैं वो अंदर किचन में तैयार कर रही हैं डिनर, क्योंकि वो अभी से ही डिनर प्रिपेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी डिनर करने की आदत है और मेरी मम्मी और भी जल्दी खा लेते हैं डिनर। सो अभी यहाँ हम लोग पी रहे हैं चाय और मम्मी हैं अंदर किचन में, और जैसे ही डिनर मम्मी प्रिपेयर कर लेती हैं उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठेंगे मम्मी के गार्डन में और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी सी करेंगे बातें शातें। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 7 और हम लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं मम्मी के गार्डन में और मम्मी दे रही है प्लांट्स को पानी। पहले तो डैडी दे रहे थे मगर डैडी अभी गए हैं मम्मी के साथ मार्केट। सो आज जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं मेरे बुरे हाल गर्मी में। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पी थी चाय, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अपनी बातें बातें करने में बिजी हो गए, इसलिए मैं अपना जो ब्लॉग था वो कंटिन्यू बीच में नहीं कर पाई। तो अभी जस्ट हम लोग हुए फ्री बातों से, तो अभी हम आए हैं बाहर, तो मम्मी यहाँ दे रही है अपने गार्डन में पानी। और कल मॉर्निंग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपनी मम्मी का गार्डन, क्योंकि मेरी मम्मी का जो गार्डन है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरी मम्मी को जो है गार्डनिंग का बहुत शौक़ है शुरू से। तो यहाँ नीति भी है, सो नीति भी मम्मी के साथ दे रही थी गार्डन में पानी। तो अभी जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी एक लुक देती हूँ अपनी मम्मी के गार्डन की। सो ये देखिए, यहाँ मम्मी दे रही है गार्डन में पानी। और इस समय देखो आप कि अभी गर्मी का सीजन है, फिर भी मेरी मम्मी के गार्डन में कितने सारे फूल खिले हुए हैं। और फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को गार्डनिंग का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो जब हम लोग भी छोटे छोटे हुआ करते थे तो मम्मी जो हैं
जब अपने जॉब से वापस आते थे तो हमेशा प्लांट्स वगैरह लेके आते थे, तो हम भी बड़े शौक से उनको उगाते थे। और फ्रेंड्स, जब हम अपने हाथों से फूलों के पौधे उगाते हैं और उसमें जब आते हैं फूल, तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, और इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देखो देखो हमने जो प्लांट्स लगाए थे उनमें फ्लावर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी इसीलिए मम्मी की वजह से मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का, और मुझे फूल पौधे बहुत अच्छे लगते हैं घर में। मैं कई दिन हो गए, मुझे 2-3 दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया अपने चैनल पे, जस्ट मैं वीडियो जो है वो मैं डाल रही थी अपने चैनल पे। सो आज क्योंकि थोड़ी सी मैं बिजी थी, क्योंकि मुझे आना था अपनी मम्मी के घर, तो मैं थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग में लगी हुई थी। सो आज फाइनली हम लोग आ गए यहाँ रहने के लिए। सो अभी मैं जस्ट अपनी मम्मी के घर में मैं 1 वीक के लिए रहूँगी, तो जो मेरे ये व्लॉग्स हैं वो मेरी मम्मी के घर से मैं बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट हम बाहर, मेरी मम्मी दे रही है पानी गमलों को और मैं अंदर आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर में मेरी मम्मी ने डिनर भी रेडी करके जो है वो रख लिया है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे खाना। और सो अभी चलते हैं बाहर ही मम्मी के पास, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, एमी भी आ गया है अपने नाना के साथ घूम के मार्केट। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं रात के 8 और हम लोग बैठ कर के कर रहे हैं डिनर। सो यहाँ आज मम्मी ने डिनर में प्रिपेयर की है मसूर की दाल रोटी, एंड साथ में हम लोग ले रहे हैं ग्रीन सैलेड। और फ्रेंड्स, मुझे गर्मियों में रात में डिनर में मुझे हल्का खाना खाना बहुत पसंद है, क्योंकि गर्मियों में हैवी डिनर जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ डैडा भी हमारे साथ बैठे हैं और हम तीनों कर रहे हैं डिनर, और बच्चे जो हैं उन्होंने इवनिंग में ही खाना खा लिया था, क्योंकि उनको तभी भूख लग गई थी, तो वो जल्दी खाना खा करके हो रखे हैं फ्री और दूसरे रूम में देख रहे हैं टीवी। सो यहाँ हम लोग आपस में बैठ करके खा रहे हैं खाना, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ मम्मी डैडी के साथ बैठ करके खाना खाना। सो फ्रेंड्स, आफ्टर डिनर हम लोग बैठे हुए हैं बाहर मम्मी के गार्डन में, क्योंकि आज जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर, क्योंकि दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। सो मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, और देखिए मेरी मम्मी जो है कितना इंजॉय कर रही है बच्चों के साथ, और बच्चे भी जो हैं नानी के घर आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपनी नानी के साथ, तो फ्रेंड्स ये लोग खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई में भी, शायद कईयों को पता होगा कि ये कौन सा गेम होता है। तो यहाँ ये एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, देखिए। सो यहाँ ये लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, और मेरी मम्मी भी इनके साथ बहुत इंजॉय करती हैं, और मेरे मम्मी डैडी को भी वेट रहता है कि कब वेकेशन हो और बच्चे आएँ रहने के लिए। सो यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है इन लोगों को आपस में इंजॉय करके देख के। अभी बज गए हैं रात के 9:30 और बच्चों की एनर्जी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी बाहर अपनी नानी के साथ में खेल रहे हैं। और आज नोनो और एमी दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो नानी के घर आए हैं अपनी। सो होता है क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे नानी के घर जाते थे, तो इतना अच्छा लगता है नानी के पास, नानी के घर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है बच्चों के लिए। सो इसलिए मैं भी उनको भी मना नहीं कर रही हूँ, तो भी इंजॉय कर रहे हैं वो अपनी नानी के साथ बाहर, नानी और नाना दोनों उसके बाहर उनके बाहर हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।